होता है। इसके लिए सबसे पहले हमने चार प्याज लिए और उनको हम ये बारीक बारीक काट के एक कप ये दो चम्मच में घी डाल के और इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। थोड़े से कलौंजी डालूंगी। मैं अपने हर खाने में कलौंजी और मेथे थोड़े से जरूर चुटकी डालती हूँ। जो इसमें मसाले शामिल करने हैं, आधी चम्मच ये जीरा, थोड़ी सी अदरक, सूखा धनिया, एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और आधी चम्मच ये चिली फ्लेक्स, छोटी जमसी और कुटी हुई मिर्च लाल और हल्दी आदि चम्मच। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है सारे मसाले डालने में। अच्छा जी, हमने तीन टोमेटोस, थ्री हरी मिर्चें और छोटा सा अदरक का क्रश करके टुकड़ा हमने ग्राइंड कर लिया। प्याज हमारे फ्राई हो गए, हल्के पिंक से हो गए। अब टाइम आ गया है कि अब हम इसमें मसाला ज़्यादा डालें। इसमें लाल मिर्च डालेंगे, हल्की आंच पे ही हम इसको भून रहे हैं। अब ये पेस्ट जो हमने बनाया था टोमेटोज और ग्रीन चिलीज वाला, अब हम वो इसमें डाल देंगे। जैसे ये ऑयल छोड़ेगा फिर ऐसे हमें पता चलेगा कि हमारा भून गया। आंच हम थोड़ी तेज कर लेते हैं ताकि ये इस पर भून जाए, तेज आंच पे भून देते हैं। हमारे घर में भरता जो है बहुत ही मैश वाला काम होता है, इससे बहुत मज़े का लगता है। कैसे करेंगे, ज़्यादा भी नहीं, देखिए बहुत मज़े का होगा। ये बैंगन हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी कि बैंगन को रोस्ट करते हुए इस पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे ताकि वो छिलका से आराम से उतर जाता है। और बड़े मज़े से देख रहे हैं आप कितने मज़े का। 5 मिनट में ये भुन जाता है क्योंकि हमने प्याज पहले ही जो है वो सौते करके रख लिए थे, फिर हमने मसाला ज़्यादा ऐड करके उसको भून लिया था। तो बड़े 5 मिनट में ये जो है वो रेडी हो गया था हमारा मसाला। और अब हमने बैंगन भी मैश कर लिया, हल्की आंच पे रख देना इसको। हमने आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला हम ऊपर से डाल देंगे।